प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। दिवाली से पहले लुधियाना के फोकस पॉइंट में पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की रेड प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाली फैक्ट्री में डिपार्टमेंट ने दी दबिश। 9 टन के करीब प्लास्टिक का मटेरियल किया गया जब्त। सरकार द्वारा प्लास्टिक बैग पर है पाबंदी, अधिकारियों ने दी जानकारी, कहा जांच है जारी। अपनी सरप्राइज चैकिंग दौरान फैक्ट्री का दौरा किया, तो साढ़े दौरे के दौरान सानू इतने प्लास्टिक कैरी बैग पाए गए, तो जेडे कि बैंड है सरकार वालों। हाँ जी, ये जगह फोकल पॉइंट फेज 8 की फैक्ट्री है जी, F140 बबल लिटल बबल नाम थानू अभी दस देंगे पुछ के। एड्रैस लिखा हुआ जी इतने, तो उत्थे असी प्लास्टिक कैरी बैग सानू स्टॉक मिले जो कि सरकार वालों बैंड है, तो उस हाँ जी लगभग 8 तों लैके 9 टन असी बाकी असी पड़ताल कर रहे हैं कि टोटल किन्ना है। साड़ी पड़ताल तो बाद सानू पता लग जाएगा टोटल, वो साड़ी जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई है असी रिपोर्ट बना ली है, तो फरदर कार्रवाई असी अपने कल ऑफिस जाके जिहड़ा बैग फड़े है प्लास्टिक कैरी उन्होंने सील कर। सर, विभाग वालों बार बार जी चेतावनी भी दी गई है, सरकार वालों भी जी बार बार कारोबारियों को अपील की गई थी, फिर भी जिदा एक काम करते हैं होर कारोबारियों को कहोगे जी? असी होर सारे कारोबारियों को अपील करते हैं भी वो जेडे सरकार वालों बैंड प्रोडक्ट है सिंगल यूज प्लास्टिक प्लास्टिक कैरी बैग वो ना बनाए जाए अपनी फैक्ट्री के ना ही उन्होंने वेचा जाए। ठीक, लगता वातावरण बड़ा प्रदूषण होता है? हाँ जी, इन्होंने वातावरण दूषित होंगे जी, जो बैग है ये गलियां नालियां सीवर के ब्लॉकेट करते हैं जिसे करके आप देखते हैं फ्लड वर्गी सिचुएशन करते हैं। सर, होर फैक्ट्रियों भी जी जांच की जाएगी जिदा ये दिवाली के नेड़े जिहड़ा चलाएगा? साड़ी रेगुलर जांच चलती रहती है जी, जिवें जिवें सानू कोई पता लगता है अभी। मेरा नाम बच्चन पाल, मैं एसपी।